कुछ ऐसे शरारत जो आए हैं जो हमारे गेट को तोड़ के घुसे और गेट को तोड़ के घुसने के बाद में हमारे यहाँ धमपुड़िया बना हुआ है। धमपुड़िया में कुछ ऐसे सामान हैं जो हमारे समाज में जो भजन होता है, कीर्तन होता है, उस समय हमारा वाद्य यंत्र रखा गया था जिसमें मांदर था, ढोल, नगाड़ा, झांझ, करतल, ये सारे सामान इस धमपुड़िया के में रखे हुए थे। और उस धमपुड़िया को भी साथ साथ में क्या किए हैं, ये एल्बेस्टर जो लगा हुआ है उसको भी उन्होंने तोड़ फोड़ किए हैं, चारों दीवार तरफ उन्होंने तोड़े हैं और मांदर ढोल धाक तोड़िए दिए हैं। उसके बाद में हमारे यहाँ जो पूजा का स्थल है उसमें देखिए कि जो चारों तरफ से घेरा हुआ था उसमें इस एक साइड का दीवार को भी उन्होंने क्षतिग्रस्त करने का काम किए हैं। और इस तरह से क्या है कि उधर जो हम लोग बाथरूम बनाए हुए थे जो आने जाने के लिए, कपड़ा बदली करने के लिए, उसमें भी उसको तोड़ फोड़ किए और सारा एल्बेस्टर को भी तोड़ दिए। और इसमें हमारे यहाँ से कुछ सामान ऐसे जो थे जो पूजा के दरमियान में हम लोग कसा का लोटा जो प्रयोग करते हैं, कम से कम लॉकडाउन के दरमियान में बहुत दूर दराज से जो लोग आते हैं उनका यहाँ लोटा रखा हुआ था जो 15-16 के बीच में था, कासा का लोटा था, उसको भी उन्होंने ले गए। और दो को गैस सिलेंडर का चूल्हा था जो कभी कभार हम लोग का जब प्रोग्राम होता था तो खिचड़ी बनाने का काम में लाते थे, और अभी वो सब सारा जो सामान था सबको उन्होंने ले गए। और अभी जो देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो सामान का क्षतिग्रस्त हुआ है उस तरह आपके सामने दिख रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि समाज के लोग चाहे प्रशासन हमारा इस मैंने तो जो शरारत किए हैं उसमें सहयोग करें ताकि जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और सरनामा से यही कृपा करते हैं कि उन लोगों को सजा देने की कृपा करें ताकि ऐसे आइंदा दिन आने वाला उनमें काम ना करें। तो सीधा सीधी इसमें ये झलकता है कि यहाँ पर जितने भी सामान जैसे पूजा के लिए कासा का जो लोटा था या तो फिर यहाँ प्रसाद बनाने के लिए गैस सिलेंडर चूल्हा, ये सारी व्यवस्था इस धमपुड़िया भवन में रखा हुआ था, जिसका आप देख रहे हैं कि इनके द्वारा पता चल रहा है कि उससे भी ले जाया गया चोरी करके। हम आज के इस जांच कमेटी में हमारे बीच उपस्थित है, फिर से बोल रहे हैं, इस बेड़वारी शरणास्थल में केंद्रीय शरणा समिति के अध्यक्ष श्री अजय तिर्की है। यहाँ के समाज शरणा समाज या तो फिर किस एंगल से ये देखते हैं कि आज दो दिनों के बाद कर्म परब होने वाला है और इस तरह की जो घटना है उस किस नजरिए से देखते हैं? अजय तिर्की जी, आप अपना विचार देंगे। जोहार, जय धर्मेश। मैंने यहाँ पर आया, हमारे केंद्रीय शरण समिति की टीम सारी आई हुई है, सभी लोगों ने निरीक्षण किया तो निरीक्षण में पाए कि जिस तरीका से शरणास्थल की दीवार को क्षतिग्रस्त किया गया है, जिस रूम में रखा हुआ था पूजा का सामान, मांदर, ढाक, नगाड़ा, कासा का लोटा, कुछ सामान चोरी किया गया है, कुछ सामान को क्षतिग्रस्त किया गया है, तो मैं यहाँ के स्थानीय प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द जो भी गुनाह किए हैं इस काम को, ऐसे लोग अगर जल्द से जल्द यहाँ के स्थानीय प्रशासन अगर अरेस्ट नहीं करती है, अंजाम नहीं देती है, तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि पूरा आदिवासी समाज यहाँ के सरकार को और यहाँ के प्रशासन को मुँह तोड़ जवाब देगी और हम लोग जोरदार तरीके से आंदोलन करने के बाद होंगे। जो कि मैं यहाँ के प्रशासन को ये आगाह करना चाहता हूँ कि एक हफ्ता के अंदर में जो भी इसका गुनाहगार है उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें, अन्यथा हम लोग जोरदार तरीके से विरोध आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धन्यवाद। जोहार।